नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विथ आरएनडी। दोस्तों आज मैं पेश करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र की एक ऑथेंटिक डिश जिसे पिठला कहा जाता है। दोस्तों ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। हम हमेशा वीकडेज में ऑफिस का खाना या किसी शादी या किसी फंक्शन में हेवी खाना खा के पक जाते हैं, तो मन करता है अगर हमें कुछ लाइट खाना को मिले तो कितना मज़ा आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके काम ज़रूर आएगी। दोस्तों ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं इससे आप 3 से 4 लोगों के लिए पिठला आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने लिया है 150 ग्राम बेसन, फिर मैंने 10 से 12 सहजन के 1 इंच के टुकड़े काट लिए हैं, फिर मैंने धनिया पत्ता लिया हुआ है और 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, मैंने 1 पीस कोकम का लिया हुआ है जिससे हमें खट्टा स्वाद मिलेगा, मैंने 12 से 15 करी लीफ लिए हुए हैं, मैंने 1 प्याज लिया हुआ है, मैंने 1 पूरा लहसुन लिया हुआ है जिससे मुझे 10 से 12 लहसुन की फलियां मिलेंगी, और मैंने 3 हरी मिर्च ली हुई है। तड़के के लिए मैंने 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा लिया हुआ है, मैंने 1.5 चम्मच नमक, 1/2 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून हल्दी ली हुई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धनिया, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को काट लेंगे, फिर हम एक पतीली में बेसन को ऐड कर देंगे और उसमें 2 ग्लास पानी मिला देंगे। फिर हम उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा हींग ऐड करेंगे और अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमें अच्छे से चलाते रहना है जिससे घोल में कोई गुठली या लंप ना रहे। तो लो हमारा घोल अब रेडी है। अब हम एक नॉनस्टिक फ्राई पैन लेंगे और उसे गैस पर मीडियम से हाई फ्लेम पर रख देंगे, फिर हम उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाता है हम तड़के के लिए राई और जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही राई का क्रैकलिंग साउंड आने लगता है हम पैन में चॉप किए हुए गार्लिक, अनियन, चिलीज और करी लीफ ऐड कर देंगे, फिर हम बचा हुआ हींग और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें सहजन के टुकड़े ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। दोस्तों ध्यान रहे सहजन को पकने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है तो हमें अच्छे से चलाते रहना है। फिर हम इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। हम पैन को लिड से ढक देंगे और लगभग 5 मिनट तक सहजन को लो फ्लेम तक पकने देंगे। मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड को उतार लेंगे और फिर से अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें बेसन का घोल ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। हम इसमें और 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें कोकम का 1 पीस जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे जिससे हमें खट्टा टेस्ट मिलेगा और अच्छे से चलाते रहेंगे। दोस्तों हम जैसे ही इस घोल को चलाते रहेंगे घोल धीरे धीरे गाढ़ा बनते जाएगा। गैस को हम मीडियम से हाई फ्लेम पर रखेंगे। अब हम लिड से कवर करके लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से चलाएंगे और अब इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। हम फिर से अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कसूरी मेथी का स्वाद भी बहुत ही बढ़िया लगता है। हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक पिठला को यूं ही चलाते रहना है और लो बन गया हमारा ऑथेंटिक महाराष्ट्र स्टाइल पिठला रेडी। आप इसे स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं
और साथ में सूखी गार्लिक की चटनी और प्याज के टुकड़े हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसे चपाती, भाकरी या ब्रेड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप वॉचिंग यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी।